हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पर बच्चे स्कूल जा चुके थे और बाकी मैं सब्जी बना रही थी इनके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। तो एक साइड मैंने दाल पीसने के लिए रखा हुआ है मिक्सर, जैसे आप देख सकते हैं मैंने बड़े की दाल फुला के रखी थी। एक दिन पहले ही मैंने बड़े की दाल फुलाई थी रात में। तो यहाँ पास मैंने बड़ा की दाल पीस ली है, अच्छे से उड़द की दाल है, यहाँ पीस के मैंने रख लिया है। अब यहाँ घर का थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ झाड़ू मैंने पहले ही लगा लिया था, अब यहाँ पोछा लगा लेती हूँ। बाकी हर जगह मैंने पोछा लगा लिया था, किचन रह गया था क्योंकि दाल वाल पीसनी थी, बर्तन धुलना था। तो किचन ऑलरेडी गंदी हो जाती है कितना भी आप पोछा लगा लो। यहाँ पास बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो सभी चीज़ें निकालते हैं बाहर तो पड़ी रह जाती हैं। तो यहाँ मैं देख रही थी, सबको ढंग से रख रही थी क्योंकि सबको फिर हर चीज़ मिल जाए। जो चीज़ जहाँ रखी रहती है वहीं रखना पड़ता है, नहीं तो फिर एक इधर उधर सब लोग ढूंढने लगते हैं। तो यहाँ पास मैं बड़े की दाल पीस के रख दी थी, तो अब इसको बनाते हैं। इस हींग है, ये हींग जो कटोरी है थोड़ा सा पानी है उसमें मैंने हींग डाल के रखा हुआ है, क्योंकि हींग लगाते हैं तो कहते हैं ना बड़े की ये जो दाल है उड़द की काली दाल, ये ठंडी होती है, तो ठंडी में ठंड कर देती है, लोगों को नुकसान कर देती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हींग लगा के करेंगे, हींग गर्म होती है। तो यहाँ पास बड़े बनने शुरू हो गए हैं और ये पानी है, पानी में थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है क्योंकि बड़ा अभी कढ़ाई से निकाल के उस पानी में डालेंगे फूलने के लिए। तो एक साइड मैंने दाल भी बनने के लिए रख दिया है क्योंकि दाल बन जाती है तो सही रहता है काम, बाकी आप बाकी काम करते रहो तब तक मेरी दाल बनी रहेगी। जब तो ऐसे ही कह दी तो यहाँ पास मेरे ब्रेकफास्ट के बर्तन थे जो मैंने धो लिए थे, तो इनको अब जाली में जमा देते हैं। बर्तन को रख देती हूँ क्योंकि टोकरी भी खाली हो जाएगी और बर्तन एक जगह रखे भी रहते नहीं थे, बच्चे एक बर्तन निकालते हैं तो सारे को में हाथ लग जाता है तो गंदे हो जाते हैं। अब इसमें इधर चम्मच स्टैंड है तो मैंने गलत चम्मच रख दिया था, फिर इसको ढंग से रखी हूँ। स्पैचुला सभी चीज़ें रख देती हूँ। यहाँ पास मैं नहा के आ चुकी थी, दोपहर का टाइम है तो यहाँ पास मैं इनको खाना दी हूँ, बाकी सब लोगों ने खाना खा चुके हैं। वो मोबाइल के चक्कर में लगा था तो उसको उन्होंने कबोला मैं अभी खाना नहीं खाना क्योंकि उसको दोबारा मोबाइल मिलता नहीं, इसलिए वो खाना मैं लेट कर दिया। तो यहाँ पास मैं बर्तन अभी इकट्ठा कर रही हूँ धुलने के लिए, जो भी यहाँ पास मैं मूंग की दाल सुबह फुला के रखी थी, अभी शाम का टाइम है 6:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पास मैं इनकी कौड़िया बनाऊंगी मूंग की दाल की, तो इसको अभी चलते हैं पीसते हैं इसमें मिक्सर में। और इधर बच्चे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये है सूप और सूप में बच्चों ने मैगी डाल के बनाई है, तो आप टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं आप लोगों को कि सूप और मैगी कैसी थी कौन सा। तो यहाँ पास बच्चों ने जो बनाया मैगी वैगी सूप में तो ये बन चुकी है, अब चलिए बच्चों को दे देती हूँ तो खाएंगे वो, बच्चे बताएंगे कि कैसी बनी है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चे। तो ये दाल को भी पीसते हैं और फिर मुगौड़ी बनाते हैं, इसको मुगौड़ी भी बोलते हैं और चाहे इसके मूंग के दाल के पकौड़े कुछ भी बोल सकते हैं आप। इसमें अभी बहुत चीज़ें मिक्स होंगी तो मैं आप लोगों को आगे दिखाती रहूँगी। तो यहाँ पास मैं मगोड़ी बनाने लगी हूँ, इसे आप मूंग की दाल क्या है जो हरी वाली दाल होती है मूंग का, उसमें इसमें मैंने प्याज प्याज कट किया है, धनिया पत्ती और मसाला, अदरक लहसुन मिर्च सभी को मैंने कूट के और इसमें मिक्स किया है। तो
तो प्याज डालने से अच्छी बनती है। तो यहाँ पास बन चुकी है और मैंने इसके साथ में खाने के लिए चटनी बनाई हुई है टमाटर की और धनिया पत्ती की। तो यहाँ पास देख सकते हैं जैसे गौड़ियाँ बन गई हैं। अब ये चटनी है तो ये दूसरी घान है, दोबारा बना रही हूँ। एक बार बना के ये लोगों को खाने के लिए मैंने दे दिया है, तो जो बाकी थी तो उनको भी मैं बना लेती हूँ। यहाँ पास अब सभी का जो बनाना था तो बन गई, खिला भी दी सबको। और मैं दूध लेके आई थी तो मैंने उसको भी पकाया नहीं था, तो उसको अब पकने के लिए रख देती हूँ। किचन साफ कर ली हूँ, क्योंकि कुछ बनाओ तो उसके बाद किचन तो पक्का बहुत गंदी हो जाती है। तो यहाँ पास दूध पकने के लिए मैंने रख दिया है एक साइड। और यार सब्जी आई थी शाम को, तो उसको सब्जी और कुछ फ्रूट थे तो उनको भी निकाल के टोकरियों में रख देते हैं। तो जैसे अब दो छोटी छोटी गोभी थी, फ्रूट्स थे कुछ, और पालक और मेथी थी। पालक मेथी को तो तोड़ के रखना पड़ेगा, ऐसे तो रख नहीं सकते, इसलिए इसमें खासकर पालक में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर मेथी में तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। एक एक करके उसको तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पास अभी मैंने हो चुका था काम, अभी रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। रात के खाने में आज कद्दू की सब्जी बना रही हूँ, तो इसको कट करके अभी रख लेती हैं। यहाँ पास दूध अभी करीब पकने ही वाला है, अभी पका नहीं है, उसको स्लो करके रखते हैं तो धीरे धीरे पकता है दूध, तो उस पर मलाई भी अच्छी पड़ती है। तो यहाँ पास अब मैं रात के खाना बना लेती हूँ। यहाँ पास मैंने पहले सोचा सब्जी बना देती हूँ, तब तक सब्जी पकेगी, और जो इसका पालक और मेथी का कचौड़ा बचा था उसको मैं एक पॉलीथीन में बंद करके बांध के रख देती हूँ, तो जब कचौड़ा वाला आएगा तो उसको फेंक देंगे। बाकी चीज़ें अब मैंने रख दी अंदर, अब यहाँ इस सभी चीज़ों को रख देती हूँ किचन में। और यहाँ पास अब साफ़ कर देते हैं, नहीं तो बच्चे चलेंगे तो पूरा सभी चीज़ें बिस्तर में फैल जाएंगी। तो यहाँ पास अब रोटियाँ बना रही हूँ, बाकी खाना बन चुके हैं, तो अभी सबके लिए खाना भी लगाना है। मैं रोटियाँ बनाती रहती हूँ, सबको खाना देती रहती हूँ, क्योंकि बना के रखो फिर लेके जाओ इकट्ठा, तो सबसे पहले तो बच्चों को खाना दे दी, जैसे रोटियाँ बनाना शुरू करी फिर इनको दे दी, फिर लास्ट में मैं अपने लिए बनाती हूँ, क्योंकि गर्म गर्म रोटी एक दो सभी खा लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही ठंडी में छोड़ देते हैं। यहाँ पास मैंने शकरकंदी बॉयल की थी, तो ये शकरकंदी लेके जा रही हूँ बच्चों के लिए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।